में इंटरचेंज देखा था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एल्डोसों की श्रृंखला में वृद्धि, मतलब अगर कोई एल्डोस या फिर जिसमें एल्डिहाइड, एल्डोस एल्डोस का एग्जांपल होगा ग्लूकोज, कीटोज का एग्जांपल होगा फ्रक्टोज, अगर किसी एल्डोस में 5 कार्बन हैं तो वृद्धि मतलब 6 कार्बन, तो इस तरह से 5 कार्बन से 6 कार्बन या फिर जितने भी 4 हैं तो 5 कार्बन श्रृंखला में वृद्धि करनी है। अगर श्रृंखला को बड़ा करना है तो कौन सी कुछ सिंथेसिस हैं, कुछ वृद्धि करने की अभिक्रियाएं हैं, वो कौन सी है? फर्स्ट है कीलियनी संश्लेषण, कीलियनी सिंथेसिस, कीलियनी संश्लेषण। अब कीलियनी संश्लेषण क्या होता है? सभी क्रिया में मैं रिएक्शन लिख रही हूँ। कीलियनी सिंथेसिस में क्या हुआ है? सबसे पहले ये ग्लूकोज है CHOLDIHYDE, जब इसकी HCN से रिएक्शन करवाते हैं, HCN से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस, HCN में से HCN माइनस H प्लस होगा, H प्लस इसके साथ जाके जुड़ेगा और CN माइनस इस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये अब इस कार्बन के साथ एक CN, एक OH और एक H जुड़ा हुआ है, तो H CN OH जुड़ गया। अब ये भी हो सकता है कि ये OH इस तरफ हो और ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये OH दूसरी तरफ हो, मतलब इस साइड हो, तो ये इस तरह दो आइसोमर्स बनेंगे जिसमें OH एक में एक तरफ है और एक में दूसरी तरफ, एपीमर्स बनेंगे, आइसोमनी एपीमर्स बनेंगे, ये क्या बने, साइनोहाइड्रिन बने, साइनोहाइड्रिन। जब इसकी BaOH का होल ट्वाइस, इसके द्वारा जब हम इसे जल अपघटित करते हैं, मतलब हमें जल के अणु के द्वारा इसे तोड़ना है, तो क्या होगा, ये CN किसमें बदल जाएगा, COOH में, इसमें सेम, ये भी सेम है, क्या अंतर है दोनों में, इन दोनों में क्या अंतर है, वही अंतर है जैसा इसमें OH का, इसमें OH एक तरफ था, इसमें OH इस तरफ था, वही सेम इसमें अंतर है, इन दोनों में अंतर है, और इसके दोनों CN, ये COOH बदला कैसे है, अगर हम CN की बात करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जब हम इसका जल अपघटन करवाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे ये सारे, इसमें क्या होगा, दो जल के अणु जुड़ेंगे, दो जल के अणु कैसे जुड़ेंगे, एक बार इस तरफ O, इधर H2, मतलब इस कंडीशन में दो बॉन्ड टूट गए हैं, दो बॉन्ड इस कार्बन के टूटे हैं तो डबल बॉन्ड से ये जुड़ गए और इससे दो क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए, अभी एक बॉन्ड बचा है, नेक्स्ट ये बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ H और एक तरफ OH, इस कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड थी OH, तो एक समय तो COOH और इसमें NH3 निकलेगा अभी, लेकिन इसमें रिप्रेजेंट दिखाया नहीं गया है कि NH3 निकला हुआ है, सीधे ये बताया जल अपघटित किया है और CN को COOH में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट में जब हम इसे टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से इससे इसकी ये स्थिति अल्फा, ये स्थिति बीटा और ये स्थिति गामा, गामा इस COOH और इस गामा वाले कार्बन से एक जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा, इस जल के अणु का निष्कासन होगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल गया, H2 जल का अणु निकलेगा, जैसे ही जल का अणु निकलेगा तो CO, एक ऑक्सीजन इधर है, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये ऑक्सीजन बीच में है, ये कार्बन के पास ये ऑक्सीजन, फिर ये बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि ये जो निष्कासन हुआ है वो इसके सापेक्ष गामा स्थिति से हुआ है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें वो गामा इलेक्ट्रॉन होगा, पर ये अंतिम प्रोडक्ट नहीं है, इसमें क्या होगा, फिर इसका क्या करवाएंगे, अपचयन करवाएंगे, जैसे अपचयन होगा बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक तरफ इस तरफ भी H जुड़ेगा, इस तरफ भी H जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा CHO, इधर क्या हो जाएगा OH, तो यहाँ हो गया OH, अल्फा बीटा गामा पे OH और ये किस बदल गया CHO। अब हम देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 थे, अब इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एल्डोस था, इसका नाम था डी अरेबिनोज, अरेबिनोज ग्लूकोज नहीं, अरेबिनोज, क्योंकि इसमें 5 ही कार्बन है, लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें एक तो होगा डी ग्लूकोज और ये वाला होगा डी मैनोज, सिर्फ OH इधर चेंज होने से इसका नाम क्या हो गया, मैनोज हो गया। नेक्स्ट है
एल्डोसों को नाइट्रोमेथेन में संघनित करवाना है, और नाइट्रोमेथेन में संघनित करवाकर एल्डोस की जो श्रृंखला होगी, चेन होगी, उसमें क्या करेंगे हम, वृद्धि करेंगे। कैसे होगी अभिक्रिया? एल्डोसों की सबसे पहले किससे अभिक्रिया करवानी है? रिएक्शन नाइट्रोमेथेन से। नाइट्रोमेथेन से संघनित करवाने पर क्या होगा? ये है CH3NO2, इसके एक H को इस तरह से लिख दिया है। जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, इस पर माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। ये प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो इस कार्बन के साथ एक H जुड़ा है, एक O, ये जुड़ने के बाद OH जुड़ रहा है, और बचा हुआ CH2NH2 जुड़ गया। अब इसमें भी एक कार्बन पे, ये सेकेंड कार्बन है, उस पर एक बार OH इस तरफ स्थित है और इस एक बार ये OH इस तरफ स्थित है। जब इसका डाइल्यूट H2SO4 द्वारा अपघटन करवाया जाता है तो क्या होगा? इसमें CH जो NO2 ग्रुप है, जो NO2, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NO2 किस में टूट जाएगा? CHO एल्डिहाइडिक समूह में बदल जाएगा। तो इसमें स्टार्टिंग में ये डी अरेबिनोज था, फर्स्ट पहली जो चेन में वृद्धि के लिए जो अभिक्रिया के लिए नहीं संश्लेषण थी उसमें भी डी अरेबिनोज का यूज़ किया था। तो इसमें जो ये बनेगा वो भी डी ग्लूकोज होगा, और ये होगा डी मेनोज। इसमें 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 कार्बन है। तो क्या हो गया? इसमें चेन में वृद्धि हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट है एल्डोसो की चेन में, चेन को छोटा करना है। अगर 5 हैं तो 4 कार्बन करने हैं, और 6 हैं तो 5 कार्बन करने हैं, ठीक है। चेन में कमी करनी है, तो नेक्स्ट है एल्डोसो की चेन में कमी, श्रृंखला में कमी करनी है, छोटी करनी है चेन। तो क्या होगी? फर्स्ट है रफ मेथड, रफ विधि। अब इस विधि में क्या होगा? रफ मेथड में क्या होगा? इसमें कितने कार्बन है? 3, 4, 5, 6 कार्बन है। लास्ट में हमें डी अरेबिनोज बना है, उसमें कितने हैं? 3, 4, 5, मतलब हमने चेन को छोटा कर दिया। क्या किया है? सबसे पहले हमने ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवाई है, तो इसमें जो CHO है एल्डिहाइडिक समूह का ऑक्सीडेशन होकर, ऑक्सीकरण होकर वो किस में बदल गया है? कार्बोक्सिलिक। हमेशा जो एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो हमने ये CHO किस में बदल दिया? COOH में चेंज कर दिया। नेक्स्ट मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और FeSO4 प्लस H2O2, मतलब ये है फेंटोन रिएजेंट, फेंटोन अभिकर्मक और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाने पर सबसे पहले इसका कैल्शियम सॉल्ट बनता है, कैल्शियम लवण बनता है, फिर उसकी फेरस सल्फेट प्लस H2O2 मतलब फेंटोन रिएजेंट से अभी रिएक्शन करवाते हैं, तो इस पूरी रिएक्शन में इसके बाद ये प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें लगभग ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब एक या तो ऑक्सीजन जोड़ना या फिर ऑक्सीजन की मदद से टूटना। तो इसमें क्या होगा, कैसे याद करेंगे इसको? इसमें से OH और इसमें से H, तो OH और यहाँ से H, क्या निकला? फर्स्ट H2O, ठीक है। एक C ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा और किस रूप में निकल गया? ये CO2 के फॉर्म में निकल गया। अब क्या बचा? CHO, CHOH, इससे से ईजीली याद हो जाएगा, ठीक है। ये रफ मेथड है। इसके बाद है नेक्स्ट वॉल निम्नीकरण मेथड। वॉल मेथड या वॉल निम्नीकरण मेथड में क्या किया है? सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन OH जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो H2 निष्कासित हो जाएगा, H2 निकल गया। अब ये NOH इसके साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसकी जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएंगे तो उसका निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण मतलब जल का एक अणु निकलेगा और साथ में एनहाइड्रिक जो समूह है वो भी जुड़ता जाएगा, ठीक है, हर कार्बन से जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, जब हमने निर्जलीकरण किया तो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया? H2। अब जब दो सिग्मा टूटे, एक तीसरा पाई और बन जाएगा, क्या हो गया? C(NN). साथ में क्या होगा? CHOH किस में बदल जाएगा? CHO COCH3। कैसे? अगर हम
ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया। जब हमने इससे रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, सी एस थ्री सी डबल ओ एच, एच को ले जाएगा तो सी एस थ्री सी डबल ओ एच निकल गया और सी ओ सी एस थ्री, तो ओ सी ओ सी एस थ्री, इस तरह से हर कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये निर्जलीकरण होने की प्रोसेस के दौरान ही होती है। लेकिन जब हम इसकी अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, NH4OHAgNO3, इसे हम टॉलिन रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। जब हमने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो इसमें से जो ये एसिटिक एनहाइड्रिक समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है वो भी निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। और ये किस में बदल जाएंगे, जो पहले वाले ग्रुप में थे, क्योंकि ये प्रोसेस निर्जलीकरण के दौरान हुई थी, लेकिन हमें प्रोडक्ट में इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने जब टॉलिन रिएजेंट से रिएक्शन करवाई तो ये अपनी फॉर्म में दोबारा आ गए, और साथ में यहाँ से एक सी एन एच, एच सी एन का निष्कासन हो जाएगा। जैसे ही एच सी एन का निष्कासन हो जाएगा तो सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच सी एच ओ, मतलब हमें चेन थी कितने की थी, 3, 4, 5 और एक 6, अब कितनी है, 3, 4, 5। अब हमने चेन को छोटा कर दिया, एक रफ मेथड और एक वॉल निम्नीकरण मेथड। इसके बाद टॉपिक है एरिथ्रो व थ्रियो युग्म, एरिथ्रो व थ्रियो पेयर क्या होते हैं। थ्रियो पेयर ये विवरिम समावयवी भी होते हैं, विवरिम आइसोमर होते हैं। जैसे अगर देखें तो इसमें ये एरिथ्रो पेयर है, ये थ्रियो पेयर है। अब एरिथ्रो पेयर क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूपों का ऐसा जोड़ा, ये मिरर इमेज हैं आपस में, इनका ऐसा जोड़ा जिसमें डी एरिथ्रोज के समान समान समूह एक ही तरफ स्थित होते हैं। अगर हम डी एरिथ्रोज की बात करें तो इसमें समान समूह एक ही दिशा में स्थित हैं। अगर इसकी ही तरह प्रतिबिंब रूपों के ऐसे जोड़े जिसमें समान समूह एक, अब इनको तो समानता के आधार पर नहीं देख सकते, समान समूह इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है, तो ये आपस में क्या होंगे, एरिथ्रो युग्म। अगर थ्रियो युग्म की बात करें तो इसके विपरीत प्रतिबिंब रूपों का ऐसा जोड़ा जिसमें डी थ्रियोज के समान निकट पास वाले कार्बन की बात करेंगे, पास वाले कार्बन या निकटवर्ती कार्बन पर स्थित समान समूह विपरीत दिशा में। अब ये अगर समान समूह है, ये दोनों विपरीत दिशा में, ये दोनों विपरीत दिशा में, तो ये दोनों जोड़े आपस में क्या कहलाएंगे, थ्रियो युग्म, ये होंगे एरिथ्रो युग्म। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज का मैनोज में इंटरचेंज। ग्लूकोज का मैनोज में इंटरचेंज के दो मेथड हैं। फर्स्ट है एपीमरीकरण द्वारा। ग्लूकोज को मैनोज में इंटरचेंज करने से पहले ये जाने कि जो ग्लूकोज और मैनोज है उसमें कार्बन की नंबर, कार्बन का नंबर सेम होते हैं, 6 कार्बन होते हैं दोनों में, लेकिन जो सेकंड कार्बन होता है उस पर OH समूह की स्थिति दोनों एक में एक तरफ स्थिति होती है जबकि दूसरे में दूसरी तरफ स्थिति होती है। जैसे इससे पहले हमने जब एल्डोज की चेन में वृद्धि के बारे में पढ़ा था तो डी अरिबिडिन्स को हमने डी ग्लूकोज और डी मैनोज में चेंज किया था, तो डी ग्लूकोज में OH इधर था, डी मैनोज में OH इधर था। केवल हमें OH को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। अब OH को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए हमने एक एपीमरीकरण मेथड का यूज़ किया है। एपीमरीकरण मेथड में सबसे पहले जानना ज़रूरी है एपीमर्स क्या होते हैं। जिन दो समावयवियों में, जैसे अगर हम वहीं जाएं तो हाँ, जिन दो समय ये आपस में आइसोमर्स होंगे, हैं एपीमर्स हैं लेकिन आइसोमर्स हैं, जिन दो समावयवियों में C2 कार्बन का विन्यास विपरीत होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसके बाद C2 कार्बन ये होगा तो इसका विन्यास देखें तो एक में OH इस तरफ दूसरे में OH इस तरफ है, इन दोनों का विन्यास एक दूसरे के अपोजिट है तो ये आपस में एपीमर्स कहलाएंगे। और दोनों एपीमरों के आपस में इंटरचेंज को एपीमरीकरण कहते हैं।
ठीक है, ये इसमें चेंज होगा और ये इसमें चेंज होगा, तो उसे कहेंगे एपीमेरिकर। तो हमने ये एपीमेरिकर मेथड यूज़ किया है। इस मेथड में क्या है, सबसे पहले हमने ग्लूकोज ले लिया है, 6 कार्बन है। अब सेकेंड कार्बन पर हमें OH की पोजिशन को चेंज करना है, अपोजिट करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या किया है, ब्रोमीन जल से रिएक्शन करवाई। जैसे ही ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाएंगे, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइडिक समूह ऑक्सीडेशन होकर किसे बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक, तो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम इसमें देखें तो डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, मतलब ये कुछ कीटो रूप के साथ सिमिलर है। तो हम कीटो रूप को इनोल रूप में भी चेंज कर सकते हैं। इनोल फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। एंड नेक्स्ट इस वाले हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे क्या आएगा, माइनस, और इस पे क्या आएगा, प्लस। ये H प्लस जाके इस ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ेगा तो ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे प्लस आएगा। ये प्लस माइनस आपस में डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसमें होने को ऑल काफ़ी सारे हैं, तो जितने हैं उसके अकॉर्डिंग ऑल डाई ट्राई लगा के, ये इन डबल बॉन्ड के साथ ऑल हैं, तो ये क्या बन गया, ये इनॉल फॉर्म हो गया, ये एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, ये आपस में, ये इसमें भी दोबारा से इंटरचेंज हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से वही, ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, इस पर माइनस, ये वाला बॉन्ड। अब हमें यहाँ से, यहाँ हमने इसको पहले OH में चेंज किया, फिर ये वाले OH को दोबारा से तोड़ेंगे, क्या होगा, HO इस तरह लिख दिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर आए, इस पर माइनस हो गया, इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, और इस पर क्या हो गया, प्लस आ गया। ये H प्लस जाके किसकी तरफ जुड़ जाएगा, यहीं जहाँ पर अपनी पुरानी पोजीशन पे, यहाँ H आ गया, और इन दोनों में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अभी डबल बॉन्ड इधर था, हमने इसका इनॉल, ये इंटरमीडिएट का यूज़ किस लिए किया है, सिर्फ डबल बॉन्ड को इधर पोजीशन बदलने के लिए, ठीक है। डबल बॉन्ड अब इधर आ गया, अब इस कंडीशन में ग्लूकोनिक किस में बदल गया, मेलोनिक एसिड में। नेक्स्ट में अब हम इसको जब हीट देंगे तो क्या होगा, हीट देने पर इसकी, इसके सापेक्ष अल्फा, इसमें बीटा, गामा, इसमें से ये 3 कार्बनों के से, इसमें से गामा पोजिशन से और इस वाली पोजिशन से H2O का निष्कासन होगा, H2O निकलेगा। जैसे ही, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ से OH और इस कार्बन, गामा कार्बन पे से H जाएगा तो H2O गया, और बीच में ऑक्सीजन से ये बन गया, तो इसमें अल्फा, बीटा और गामा, क्योंकि ये बॉन्ड गामा, इसके सापेक्ष गामा पर बने, तो ये फिर से ही गामा इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। दोबारा से इसका अपचेन किया जाएगा, और अपचेन करवाने पर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस तरफ H और इस तरफ H, दोनों तरफ एच एच जुड़ गए, तो CHO और OH, CHO, और इसमें जो तीसरा यहाँ पर OH हो जाएगा, जो इस होल थ्राइस में छुपा हुआ है। होल थ्राइस में छुपा हुआ है, तो इसमें पहले ग्लूकोनिक बना, फिर इनॉल बना, फिर उसके बाद मेलोनिक एसिड बना, ठीक है। मेलोनिक बना कैसे, बीच में हमने इंटरमीडिएट बनाया है, इंटरमीडिएट के बाद ये मेलोनिक एसिड बन गया, और फिर गामा इलेक्ट्रॉन बना के दोबारा से अपचेन करवा। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है लॉब्री डी ब्रॉयन वॉन एकेनस्टीन रीअरेंजमेंट। लॉब्री डी ब्रॉयन वॉन एकेनस्टीन पुनर्विन्यास, इसमें क्या होता है, डी ग्लूकोज को बेस की प्रेजेंस में डी फ्रक्टोज में, डी फ्रक्टोज को बेस की प्रेजेंस में डी मैनोज में, और डी मैनोज को बेस की प्रेजेंस, क्षार की उपस्थिति, क्षार मतलब OH माइनस की प्रेजेंस में डी ग्लूकोज, मतलब इस, इनको आपस में रीअरेंजमेंट के थ्रू इंटरचेंज किया जा सकता है। अब मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये है डी ग्लूकोज, हमने बेस, कोई बेस लेना है कोई भी जो रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे ऑक्सीजन पे, इस पे माइनस और इस पे देन प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये एच प्लस इस ऑक्सीजन के पास जाके, तो यहाँ हो गया OH, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब ये बनाए हैं इन डाईऑल,
इनॉल ही बना है, इसमें ये इंटरमीडिएट है। अब इसमें क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी, हमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाएं और इस पर जाएं, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो हम दोनों कंडीशन को लेके चलते हैं। मान लो एक बार बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से, ये डॉटेड लाइन से इस पर इलेक्ट्रॉन भेजे हैं, नेक्स्ट को हम सीधी सिंपल लाइन से, नॉर्मल लाइन से, ठीक है। तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये रिएक्शन भी डॉटेड लाइन से दिखाई है और ये वाली नॉर्मल लाइन से। क्या होगा, जब इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पर क्या आएगा, माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, ठीक है। साथ में इसके जाते ही वही होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाते हैं तो इसके साथ में ये वाला बॉन्ड, तो इसको भी मैंने डॉटेड से दिखाया। अगर इस पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके साथ में ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो मैंने इसको, ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर, तो हमने इस पर माइनस लगा दिया, सॉरी ये तो नॉर्मल लाइन से माइनस, और इस पर क्या लगा दिया, प्लस। जब इसको तोड़ा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ माइनस लगा दिया हमने, यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है। अभी हमने रेड पेन वाली बात करनी है, डॉटेड लाइन वाली। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर गए तो इस पर माइनस हो गया और इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे माइनस आ गया, इस पे प्लस आ गया। ये प्लस माइनस आपस में या डबल बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर दिखाया गया है बॉन्ड, तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड ओ। और नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट इसमें ये वाला H जो H प्लस के रूप में हुआ है वो इधर जाके जुड़ेगा, क्यों, माइनस प्लस और ये माइनस प्लस आपस में, इस तरह से डी फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम ब्लू लाइन वाली बात करें तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो हम अभी ब्लू वाली बात करेंगे, माइनस और इस पे क्या आएगा, प्लस। जब ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये प्लस माइनस आपस में, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इधर डबल बॉन्ड बना है। और नेक्स्ट कंडीशन में जब इस पे माइनस आएगा तो ये एच प्लस निकाल के इधर आ जाएगा माइनस, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ ओ एच है और यहाँ एच है, तो इस कंडीशन में ये बन गया मैनोज। इस तरह से पहले हमने डी ग्लूकोज को मीडिएटर में बदल के डी फ्रक्टोज, और इसके द्वारा दोबारा से, क्योंकि दोनों में कार्बन सेम है, एक OH की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है, तो क्या होगा, पहले हम इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर उसके बाद डी फ्रक्टोज और डी मैनोज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद है डी ग्लूकोज की जो रिंग होती है, वलय होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, वलय संरचना, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है वो 6 मेंबर रिंग के रूप में होती है, उसे हम कहते हैं हेमी एसिटेल, जिसे हम हावर्थ प्रक्षेपण फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैसे वो बनता है, वो ये अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। बस हमने क्या किया है, अल्फा डी ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है उसकी रिंग स्ट्रक्चर की बात करें, उसे हमें हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र में लिखना होगा। तो हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र में 6 सदस्यीय वलय होती है, 6 सदस्यीय वलय में क्या होता है, ये इस तरह से 6 सदस्यीय वलय होती है। इसमें हमें डी ग्लूकोज में हमें अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म को दिखाना पड़ता है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ SCH2 को इधर लिख देंगे, H को इधर चेंज कर दिया, ये अल्फा पोजीशन है, ठीक है, जिसे हम इजीली हावर्थ प्रक्षेपण फॉर्मूले को बना सकें। हमें क्या करना है, इस तरफ जो भी प्रेजेंस है, देखो ये ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सारे कार्बन हैं, ये कार्बन है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये C1, C2, C3, C4, C5, हमें जो इस तरफ प्रेजेंट हैं उनको हमें H ऊपर लिखना है, और जो इस तरफ है उन्हें नीचे, तो HOH, इसमें HOH, इस वाले में OH ऊपर, इधर H नीचे, इस वाले में HOH और इस वाले में CH2, तो CH2OH इधर और H इधर, तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज की हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र की बात करें तो अल्फा और बीटा में एक डिफरेंस होता है कि इसमें यहाँ OH की जगह यहाँ H होगा, यहाँ H की जगह OH होगा। तो अगर हमें इसमें करेक्शन करना हो तो क्या होगा, H इस तरफ जो H है यहाँ में OH कर देना है और यहाँ H, तो ये एज इट इज़ बन जाएंगी, ये हो गई अल्फा बीटा ग्लूकोज के
रिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोसाइडों का निर्माण का फॉर्मेशन। ग्लूकोसाइड्स के फॉर्मेशन के का मेथड मैकेनिज्म पढ़नी थी। अब ग्लूकोसाइड अगर ग्लूकोज से बना होता है तो उसे ग्लूकोसाइड ही कहते हैं, लेकिन अगर फ्रक्टोज से बना होगा तो इसे फ्रक्टोसाइड कहते हैं, और मैनोज से बना होता है तो मैनोसाइड कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोसाइड की मैकेनिज्म बताई हुई है। इसमें क्या करना है, हमें HCl और मेथनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। जैसे हम इन दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एसीटेल का मिश्रण, दो एनोमेरिक एसीटेल का मिश्रण प्राप्त होता है। एनोमेरिक एसीटेल, एनोमेरिक से मतलब क्या है, C2 कार्बन पर, अरे यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन भी आएगा। तो इसके बाद अगर यहाँ पर C2, जब हम उसकी पायरेनोज हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र बनाते हैं या फिर पायरेनोज वाले होती है, तो पायरेनोज वाले में क्या होता है, इस वाले इस तरह थी कुछ, इस वाले कार्बन पर H कभी ऊपर आता है और नीचे आता है, उसी के बेसिस पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बने थे। ये दोनों आपस में एनोमर्स थे, तो इसी तरह दो एनोमर्स का मिश्रण प्राप्त होता है, ये एनोमेरिक एसीटेल हैं। इसके बाद इनसे ही पायरेनोसाइड, इसमें पायरेनोसाइड मतलब ग्लूकोसाइड प्राप्त होते हैं। ये पायरेनोज रिंग है, इसीलिए इसको कह दिया है पायरेनोसाइड। ये भी पायरेनोसाइड, इसमें एक बीटा है और एक अल्फा है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें HCl से अभी क्या करवाएंगे, तो HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये H प्लस इस ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ऑक्सीजन के साथ, जब ऑक्सीजन के साथ एक H पहले से जुड़ा है, एक बॉन्ड इधर का ये बना हुआ है, तो एक H और आकर जुड़ेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तीन बॉन्ड बनाने पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसी लिखा है OH2, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में अपनी पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, तो इस प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2O। और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये तो इस कार्बन में वन टू थ्री और एक हाइड्रोजन भी। इस वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ OH, जो हमने अभी ये स्ट्रक्चर बनाई थी, इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट किया गया है। इसमें भी छः सदस्यीय वलय थी, ये भी छः सदस्यीय वलय है, बस हमने इसको चेयर संरूपण में, कुर्सी संरूपण में चेंज कर लिया है। अब ये कैसे फॉर्म हुई इसको बाद में बताएंगे, पहले इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ पहले देखो। अब क्या करना है, हमें यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट क्या होगा, हम मेथनॉल से रिएक्शन करवाएंगे। मेथनॉल से रिएक्शन करवाने के साथ साथ कोशिश करेगा ऑक्सीजन, मेरा बॉन्ड टूट जाए, तीसरा बॉन्ड टूट जाए, तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, तो इस पर माइनस आ जाएगा, और इस कंडीशन पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये CH3OH इस पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। अब इस पोजीशन पर CH3OH इस ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ेगा, तो यहाँ पर OH और CH3 जुड़ेगा। अब पॉसिबिलिटीज़ ये है कि हो सकता है एक एनोमर ऐसा बने जिसमें CH3 इस तरफ हो, और एक पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 नीचे की तरफ, मतलब इसमें पोजीशन एक्सियल अक्षीय या इक्वेटोरियल भूमध्य होती है, जैसे कुर्सी संरूपण में होती है। तो इसमें क्या होगा, हमने केवल दोनों में सेम स्ट्रक्चर है, बस चेंज इसमें है कि एक तरफ ये CH3 इधर है और ये CH3 इधर है, यहाँ पर CH3OH ऐड हुआ है, अटैच हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगी, वही ऑक्सीजन अपना एक पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे ही प्लस माइनस आएगा ये कैंसिल आउट, इसी तरह ये
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे माइनस और इस पे प्लस, ये कैंसिल आउट। तो इसमें क्या जुड़ गया, ओ सी एच थ्री जुड़ा रह गया, इसमें भी ओ सी एच थ्री जुड़ा रह गया। इस वाली फॉर्म को बीटा फॉर्म कहते हैं और इस वाली फॉर्म को अल्फा फॉर्म कहते हैं। अब हमें इस वाली स्ट्रक्चर से इसको फॉर्म करना है। केवल पहले देख लो इसमें कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमें 6 ही बॉन्ड बनाने हैं। किस तरह से बनाएंगे, चेयर कन्फॉर्मेशन में क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, हमें कैसे बनानी पड़ेगी है? सबसे पहले दो बॉन्ड इस तरह से इनको आपस में मिला दो, तो ये चेयर कन्फर्मेशन बन गई। चेयर कन्फर्मेशन, चेयर संरूपण में क्या होगा, इसमें 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड बनाने हैं और प्रत्येक नुकीले सिरे पर क्या उपस्थित होगा, कार्बन उपस्थित होगा। इस तरह से चेयर कन्फर्मेशन के, चेयर कुर्सी संरूपण के द्वारा ग्लाइकोसाइटों के निर्माण की रिएक्शन को बताया हुआ है। ग्लाइकोसाइटों के निर्माण में सबसे पहले HCl की अभिक्रिया करवानी है, फिर मेथनॉल की रिएक्शन करवानी है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवा दी जाएगी तो इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर, दोनों पर OCH3 जुड़ जाएगा, जिससे क्या बनेगा, मेथिल बीटा डी ग्लूकोज पाइरानोज। ये बीटा रूप है और ये अल्फा रूप है। बीटा रूप में OCH3 इस तरफ जुड़ा होगा और अल्फा रूप में इस तरफ जुड़ा होगा। इस तरह से ग्लाइकोसाइडों का फॉर्मेशन हो गया। ग्लाइकोसाइड होते क्या हैं, जब हम HCl और मेथनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो एसीटेल, दो एनोमेरिक एसीटेल का मिश्रण प्राप्त होता है, इन्हीं को हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। अगर इसमें फ्रक्टोज यूज किया जाता, फ्रक्टोज, तो इसमें फ्रक्टोसाइड बनता, और इसमें मैनोज यूज किया जाता तो लास्ट में क्या बनता, मैनोसाइड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड पढ़ा था, ग्लाइकोसाइडों का निर्माण पढ़ा था। अब इसमें है टॉपिक ईथर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथरों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये एक मोनोसैकेराइड ली है, मोनोसैकेराइड, इस मोनोसैकेराइड में क्या है, हमें इसको ईथर में बदलना है। तो ईथर में बदलने के लिए ROR की पोजीशन लानी है। अगर कहीं पर OH जुड़ा है, जैसे कि यहाँ, यहाँ पर हर जगह कार्बन है, अगर हम इस OH को OR में, इस OH को OR और इस OH को OR में बदल देंगे तो एल्कोहलिक समूह किस में बदल जाएगा, ईथर ग्रुप में, ईथरीय समूह में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमने क्षार की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ये बहुत अम्लीय होगा और यहाँ से H प्लस का निष्कासन कर देगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, H प्लस OH माइनस के साथ H2O निकल गया। नेक्स्ट कंडीशन में इसकी अभिक्रिया हमने CH3 का होल टू SO4 मतलब डाई मेथिल सल्फेट से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें से एक CH3 समूह इस पोजीशन पे, मतलब CH3 प्लस जाके इस पोजीशन पे जुड़ जाता है और इस तरह से एसिटिल व्युत्पन्न बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका बार बार इसी तरह से मैथिलीकरण करवा देते हैं तो इस OH का भी और इस OH का भी मैथिलीकरण होकर ईथरीय व्युत्पन्न या फिर पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न का मतलब 1, 2, 3, 4 और एंड 5 यहाँ पे और है, ये वाला कार्बन था CH2OCH3, ये भी पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न है, मतलब ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम इन सभी एसिटिल समूह की बात करें तो ये सभी ऐसे, ये चारों एसिटिल समूह एक ही प्रकार के हैं लेकिन ये अलग है, मतलब ये इस एसिटेल जो स्ट्रक्चर है, एसिटेल स्ट्रक्चर का ये भाग है, ये इसी, इससे जुड़ा हुई, जुड़ी हुई स्थायी संरचना है, जबकि ये जोड़े गए हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर में क्या होगा, दोबारा से सैकेराइड ले ली, सैकेराइड में जब सैकेराइड की ये चेयर फॉर्म है, जब हम इसमें पिरिडीन की अभिक्रिया करवाएंगे और पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, किस के H को रिप्लेस कर दिया जाएगा, किससे, COCH3 के द्वारा।
इस तरह से जब पहले ओ सी एस टी जुड़ा था तो ईथर फॉर्म हुआ था, अब क्या जुड़ा है ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस टी, मतलब एक तरफ आर है आर सी ओ, तो इस तरह का ग्रुप क्या होता है एस्टर, इस तरह का ग्रुप एस्टर होता है जिसमें दोनों तरफ आर आर जुड़े हों, बीच में सी डबल ओ हो। तो इस तरह से इस रिएक्शन में डायरेक्ट पिरिडीन की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो ये एस्टर में चेंज हो जाता है। इसमें एक स्पेशल बात ये होती है कि अगर इस रिएक्शन को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे संपन्न करवाने पर ये स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाती है, मतलब अगर हमने इधर अल्फा एरोमर लिया है तो इधर अल्फा ही बनेगा, इधर अगर इधर बीटा एनोमर लिया है तो यहाँ बीटा एनोमर मतलब बीटा फॉर्म ही बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है राइबोज की संरचना, राइबोज की स्ट्रक्चर। राइबोज की स्ट्रक्चर जानने से पहले ये जानेंगे कि राइबोज कहाँ पाया जाता है, राइबोज आरएनए में पाया जाता है। इसके बाद हम डीऑक्सी राइबोज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो किस में पाया जाता है डीएनए में पाया जाता है। जी ये जो राइबोज होता है ये एल्डो पेंटोज होता है, एल्डो पेंटोज। अब एल्डो पेंटोज से क्लियर हो गया कि इसमें एल्डिहाइड भी होगा और पेंटोज से मतलब है 5 कार्बन उपस्थित होंगे इसमें एल्डो पेंटोज। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी जो वले होती है वो फ्यूरेनोज वले होती है, फ्यूरेनोज रिंग। इसमें एक 1 2 3 4 1 2 3 4 और इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन होता है C5। तो इसमें एच ऊपर ओ एच नीचे, एच ओ एच, एच ओ एच और यहाँ पर एच और सी एच टू सी एच टू ओ एच। इस तरह से ये राइबोज की स्ट्रक्चर होती है। ये एक फ्यूरेनोज वले होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं तथा 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसके बाद है डी ऑक्सी राइबोज की संरचना। डीऑक्सी राइबोज की संरचना को जानने से पहले डीऑक्सी राइबोज किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए आरएनए की स्ट्रक्चर एकदम सेम होती है, बस अंतर इस बात का होता है कि सी टू कार्बन, कौन से कार्बन पर, इस सी टू कार्बन पर जो OH जुड़ा हुआ है, सी टू कार्बन पर OH जुड़ा है, इसके स्थान पर केवल H होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो अब दोनों की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ OH है यहाँ H है और सेम स्ट्रक्चर होती है इन दोनों की। अब हमने राइबोज में एक नाम पढ़ा था फ्यूरेनोज वाले, इसकी स्ट्रक्चर कुछ फ्यूरेनोज वाले होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था पायरेनोज वाले, अब फ्यूरेनोज कोई भी वाले फ्यूरेनोज है या पायरेनोज है, मतलब अब नया टॉपिक है हमें मोनोसैकेराइडों की वाले के आकार का निर्धारण करना है। हमें वाले के आकार का निर्धारण करने में बताना होगा कि वाले फ्यूरेनोज है या फिर पायरेनोज है, फ्यूरेनोज है पायरेनोज। अब अगर हम पायरेन की बात करें तो पायरेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है और फ्यूरेन की स्ट्रक्चर ये है फ्यूरेन, ये एक है पायरेन और एक है पायरेन फ्यूरेन। तो हमें इस बात का निर्धारण करना है कि जो कोई भी मोनोसैकेराइड है वो फ्यूरेनोज है या फिर पायरेनोज है। अब हमें इसकी दो मेथड है, फर्स्ट है मैथिलीकरण एंड सेकंड है पर आयोडिक एसिड द्वारा ऑक्सीकरण करके। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम मैथिलीकरण, हमें मैथिलीकरण की विधि के द्वारा किसी भी मोनोसैकेराइड की विलय का पता लगाएंगे कि कौन सी फ्यूरेन है कौन सी पायरेन।